नमस्कार दोस्तों, क्या कैसे करेंगे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं कि पैन कार्ड बनवाने के लिए क्या क्या ज़रूरी कागजात होने चाहिए। हमारे काफ़ी भाई बहन इस बात पर उलझे रहते हैं कि पैन कार्ड बनवाने के लिए पता नहीं क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आइए बात करेंगे इसी बारे में, हमें क्या क्या चाहिए। आधार कार्ड की फोटोस्टेट, दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो, केवल दो ही चीज़ से हमारा काम चल जाएगा, आधार कार्ड की फोटोस्टेट और दो पासपोर्ट साइज की फ़ोटो। वोटर कार्ड की हमें ज़रूरत नहीं है, राशन कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं, लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं, जन्म प्रमाण पत्र कोई ज़रूरत नहीं है, दसवीं की DMC इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, पासपोर्ट इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, आगे स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपके आधार कार्ड होना चाहिए, उसमें आपकी जन्मतिथि लिखी होनी चाहिए, आपको और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको पैन कार्ड ज़रूर बनवा लेना चाहिए, क्योंकि अब सरकार ने हर बैंक के खाते के साथ पैन कार्ड जरूरी कर दिया है। इस बात का इंतज़ार न करें कि बैंक वाले कहेंगे तभी हम पैन कार्ड बनवाएंगे, यह एक बार बनने के बाद सारी उम्र तक चलता है, अतः चिंता न करें, अपना पैन कार्ड जरूर बनवा लें। ये हमारा पता है, बलबीर सिंह पूर्व सरपंच रामगढ़, नीचे मोबाइल नंबर है। यदि आपको कोई दिक्कत हो पैन कार्ड बनवाने में तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम जितनी संभव कोशिश होगी आपकी मदद करने का प्रयत्न करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी हमें। आधार कार्ड की फोटोशेट और दो पासपोर्ट फोटो, बस इन दो चीज़ों से ही हमारा पैन कार्ड बन जाएगा, इनकी हमें और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और पैन कार्ड बनवा लेना चाहिए, इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, इसका फ़ायदा ही हो सकता है। मान लीजिए आपने कोई FD की है 10,000 या 50,000 रुपये की, और उस पर सरकार आपका TDS काट रही है, तो आप उसे जब तक पैन कार्ड नहीं होगा वापस नहीं ले सकेंगे। यदि आपके पास पैन कार्ड है तो बैंक आपका एक भी रुपये नहीं काट सकता, क्योंकि आप अपने रिटर्न दिखाएंगे कि हमें साल में 3 लाख की इनकम हुई है या 4 लाख की, इसलिए पैन कार्ड ज़रूर बनवा लें। धन्यवाद। जय हिंद।